तो सबसे पहले अपना नाम बताओ। माय नेम इज आकांक्षा यादव। आकांक्षा, आप ये बताओ बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? बैंक को हिंदी में बैंक ही बोलते हैं। बैंक, वो तो इंग्लिश वर्ड है ना, बैंक ही बोलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है? नहीं, और कुछ बोलते हैं? मुझे बैंक ही पता है, आप बता देना फिर। सर्च करो अभी करो। चलो बाद में कर लेना, आप बाकी हार गए हो। अच्छा भैया, आप ये बताओ बैंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? पैसों का खजाना। बैंक को? हाँ, पैसों का खजाना। शाबाश बेटा, आप क्या बोल रहे थे? धर्मशाला। हाँ, पैसों का धर्मशाला। पैसों का धर्मशाला। हाँ। देखो इनको पता है, आपको पता नहीं। सॉरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी तो बोलते हैं। हाँ, ये भी बोलते हैं। ये तो दूसरा, ये तो बहुत सारा, ये तो बैंक का नाम है भाई। ये तो बैंक का नाम है। हाँ। ये तो बहुत सारा ब्रांच है ना। अब जो आप बोल रहे थे वो, इसमें जो हम लोग जमा करते हैं ना, उसको बोलते हैं पैसों का धर्मशाला। जो जमा करते हैं उसको पैसों का धर्मशाला बोलते हैं। चलो, आपका जवाब बहुत ही गलत है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। वो है अधिकोष बोलते हैं। ओह सॉरी, राइट है, अधिकोष। हाँ, ओके, ठीक है भाई। चलो, अच्छा भाई, आप ये बताओ बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? रिजर्व ऑफ इंडिया बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व। कांग्रेचुलेशन, बिल्कुल आपका जवाब गलत है। क्यों? गजब बेइज्जती है। ये बैंक को इसे ये नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक को बोलते हैं, आप सर्च करो। क्या, आप बताओ। आप सर्च कर लेना, इसको बोलते हैं अधिकोष। तो भाई, आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? आप लोग भी देखो क्या बोलते हैं। अधिकोष बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा तो। आप बताओ। बैंक को हिंदी में बैंक बोलेंगे। बैंक? हाँ। बैंक नहीं बोलते यार। आप क्या बोल रहे हो? अधिकोष। कहाँ से पता चला? अभी मतलब पता तो है भाई, रील भी देखा है मैंने, रील पे पता है, बता रहा है, बताओ। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। आपका जवाब सही था, आपका गलत है, इंग्लिश है वो। अच्छा भाई, आप लोग ये बताओ बैंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। बैंक ऑफ इंडिया। आप बताओ भाई। पता ही नहीं यार भाई, यार अभी बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे। बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। हाँ। आप कौन है ये लोग? बड़ौदा, क्या बोल रहे थे? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। हाँ। नहीं यार, वो तो इंग्लिश वर्ड हो गया ना। इंग्लिश वर्ड। हिंदी पूछ रहा हूँ, हिंदी भाई। ये हिंदी में तो पता ही नहीं भाई, ये नहीं पता है। नहीं, हिंदी में और क्या बोलते हैं? इंग्लिश वर्ड है बैंक। हिंदी में क्या है फिर? हिंदी में बोलते हैं अधिकोष। अधिकोष। हाँ, बोलना अधिकोष। अधिकोष, ठीक है। थैंक यू भाई। अच्छा भाई, आप लोग बताओ बैंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? बैंक को हिंदी में दिखा देते हैं। इसका बारे में तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। बैंक को हिंदी में कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? पैसे रखने वाला घर बोल सकते हैं एक तरह से। आप बताओ। वही सेम, पैसे रखने का घर। पैसे रखने एक तरह से बोल सकते हैं ना, पैसे रखने का घर बोल सकते हैं एक तरह से हिंदी में। लेकिन बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं यार? मेरे को तो अलमारी में भी रख देते हैं। नहीं, अलमारी में लोग नहीं रखते हैं। अलमारी में तो रखते हैं ना, लेकिन सेफली रखने के लिए, मतलब अलमारी में सेफ नहीं होता है पैसे रखने का। इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, इसको बोलते हैं अधिकोष। क्या? अधिकोष। अधिकोष, थैंक यू। हाँ, अधिकोष बोलते हैं इसे हिंदी में। अधिकोष, ठीक है भाई। चलो, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच।